आदरणीय साथियों, ईंधन टैक्स जीवी मोदी सरकार देश की जनता के लिए अभिशाप बन गई है। पेट्रोल डीजल टैक्स जीवी मोदी सरकार देश की जनता के लिए अब एक भयभीत करने वाले भूत की तरह है। मई 2014 से आज तक पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर मोदी सरकार ने 21 लाख 50 हजार करोड़ रुपए की लूट इस देश की जनता से की है। बीजेपी का नया नाम बन गया है भयंकर जन लूट पार्टी। 11 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। 1 मई 2019 यानी दूसरा कार्यकाल संभालने से आज तक पेट्रोल की कीमतों में 15 रुपया 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 15 रुपया 33 पैसे प्रति लीटर का इजाफा या बढ़ोतरी हुई है। और हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की, मई 2019 से आज तक मोदी जी ने 200 बार के करीब या उससे अधिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। मोदी सरकार दोनों हाथों से देश की जनता की जेब लूट रही है और उनकी गाड़ी कमाई पर डाका डाल रही है। एक तरफ चौतरफा महंगाई की मार है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल और गैस के दामों की भरमार है। देश के कई हिस्सों में तो पेट्रोल 100 पार और डीजल 90 पार हो गया है। इसीलिए हम जनमानुष कह रहा है कि मोदी जी का एक ही नारा है, हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। अब यह लगता है कि यह देश में मोदी जी को चरितार्थ करने के लिए नारा बन गया है। शर्मनाक बात यह है कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगाकर खुली लूट करने के बावजूद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर मंडकर अपना पिंड छुड़वाना चाहते हैं। इसलिए आज देश के समक्ष हम केवल 5 तथ्यों में पूरी सच्चाई कागजात सहित रखना चाहते हैं। पहला, तो आइए 21 लाख 50 हजार करोड़ की जो ये लूट है इसका सच क्या है। पहला, 26 मई 2014 को जब कांग्रेस यूपीए की सरकार गई और मोदी जी आए तो कच्चे तेल की कीमत थी $108 प्रति बैरल। ये कागज मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये पीआईबी का 26 मई 2014 का प्रेस रिलीज है, आपके अभी ईमेल पर आ जाएगा। 19 फरवरी 2021 को यानी आज कच्चे तेल की कीमत है $63.65 प्रति बैरल। यह भी भारत सरकार जो कि जो हमारी तेल कंपनियां रिलीज करती हैं, यह कागज उनका है आज का, समेत इसके इंडियन रुपीज में कितने पैसे बनते हैं यह कागज भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। इसके बावजूद जब $108 कच्चा तेल था तो पेट्रोल की कीमत थी ₹71.51 प्रति लीटर। जब कच्चा तेल घटकर $63 प्रति बैरल हो गया तो पेट्रोल की कीमत दिल्ली में है ₹90.19 और बाकी देश में ₹100 प्रति लीटर। यानी कच्चे तेल की कीमत 41% कम हो गई और पेट्रोल की कीमत 26% बढ़ गई, यह सच्चाई। इसी प्रकार 2014 में डीजल की कीमत थी ₹57.28 प्रति लीटर। जब कच्चा तेल $108 प्रति बैरल था तो डीजल ₹57 प्रति लीटर था,
आज कच्चा तेल $63 प्रति बैरल है, परंतु दिल्ली में डीजल की कीमत ₹80.60 प्रति लीटर है और बाकी देश में लगभग ₹90 प्रति लीटर है। यानी कच्चे तेल की कीमत 41% कम हो गई और डीजल की कीमत 40% बढ़ गई। यह है सच्चाई। दूसरा, आज यानी 19 फरवरी 2021 को कच्चे तेल की कीमत के आधार पर देश में पेट्रोल की कीमत होनी चाहिए ₹32.72 प्रति लीटर और डीजल की कीमत होनी चाहिए ₹33.46 प्रति लीटर। यह भी हम नहीं कह रहे, बाकायदा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बेस प्राइस और टैक्स का अलग 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 आंकड़ा रिलीज करता है और उनका आखिरी आंकड़ा 16 फरवरी 2021 को उन्होंने रिलीज किया है। उसके बाद 90 पैसे कीमत और बढ़ी है, तो हमने 90 पैसे और जोड़ दिए। वो कागज भी मैं आपको इस समय रिलीज कर रहा हूं। तो भारत सरकार खुद मानती है, ये हम नहीं कह रहे, कागज आपको आ रहा है, भारत सरकार मानती है कि आज पेट्रोल की कीमत है ₹32.72 प्रति लीटर और डीजल की लागत है ₹33.46 प्रति लीटर। तो मोदी जी, ₹32 की लागत वाला पेट्रोल आप 90 और 100 रुपए पे क्यों बेच रहे हैं? ₹33 की लागत वाला डीजल आप 80 और 90 रुपया लीटर पर क्यों बेच रहे हैं? इसका कारण साफ है, क्योंकि मोदी सरकार ने डीजल पर 820% एक्साइज ड्यूटी लगा दी है और पेट्रोल पर 258% एक्साइज ड्यूटी लगा दी है अतिरिक्त, और जनता की जेब पर डाका डाला है। तीसरा पहलू और चौंकाने वाली बात यह है कि मई 2014 से जनवरी 2021 के बीच में ये 820% और 258% जो अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी मोदी जी ने बढ़ाई है, इससे उन्होंने कुल पैसा इस देश के आम जनमानस, नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, किसान, गरीब, स्कूटर, ट्रैक्टर चलाने वाले, कार चलाने वाले आम जनमानस से जो वसूला है वो है 21,50,000 करोड़ रुपया। अकेले जो साल खत्म हुआ है 2020-21 में, और ये बजट का डेटा है, मोदी सरकार ने इस बजट में लिखा है कि साल जो खत्म हुआ उन्होंने पेट्रोल डीजल पर टैक्स से अकेले 3,46,000 करोड़ रुपया कमाया। और उनका यह अनुमान है कि चालू साल के अंदर इस देश के 130 करोड़ लोगों की जेब से 4,00,000 करोड़ रुपया टैक्स में और निकालने वाले हैं। यह सच्चाई। चौथा, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पिछली सरकारों ने कच्चे तेल का उत्पादन नहीं किया, परंतु आंकड़े क्या कहते हैं उनकी कंपनियों के? घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन गिर गया, कम हो गया। यह मैं नहीं कह रहा, यह उनकी कंपनियों के आंकड़े बताते हैं। घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन मोदी सरकार में सालाना 53,66,000 मीट्रिक टन कम हो गया। यूपीए एक और यूपीए दो कांग्रेस के कार्यकाल में घरेलू कच्चा तेल देश की कुल खपत का 23.4% उत्पादन था, 23.5% कुल खपत का कच्चा तेल हम अपने देश में पैदा करते थे। मोदी जी जब से आए हैं ये अब 15.5% 15.8% हो गया है। तो यानी अगर हम
100 लीटर तेल में से अगर 23.5 लीटर खुद घर में पैदा करते थे तो अब ये 15.5 लीटर हो गया है। ये मोदी जी की वास्तविकता है। और ये भी मैं नहीं कह रहा, ये भी एक प्रॉपर चार्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेरीफाइड और सर्टिफाइड, और उसमें हर साल कितना उत्पादन हो रहा है वो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। ये मोदी सरकार के आंकड़े, ये हमारे नहीं। सच्चाई ये है कि साल 2020 में घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन पिछले 18 साल में सबसे कम है। क्या मोदी जी जवाब देंगे? पांचवां और आखिरी पहलू, इस देश का 63% कच्चा तेल सरकारी नवरत्न कंपनी ONGC पैदा करती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में। मोदी जी ने इस सरकारी नवरत्न कंपनी ONGC का बजट ही इस साल काट दिया। पिछले साल इसका बजट था 32,501 करोड़ रुपया, इस साल निर्मला जी ने उस पर कैंची लगाकर उसे 29,800 करोड़ कम कर दिया। तो कहां से पैदा होगा? और यही नहीं, गुजरात की एक डूबी हुई कंपनी जहां फ्रॉड हुआ था और जिसके बारे में आपको मालूम है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, GSPC और ऐसी दूसरी कंपनियां जबरन ONGC को बेचकर मजबूर किया कि वो 25,000 करोड़ का बाजार से कर्जा उठाए, यानी और बोझ बढ़ गया। और तीसरा, ONGC कच्चे तेल की खोज का बजट ONGC का जब हमने सरकार छोड़ी तो 11,700 करोड़ रुपया था, मोदी जी ने उसे भी 63% कम करके साल 2020 में कच्चे तेल की खोज का ONGC का बजट 4,330 करोड़ रुपया कर दिया। प्रधानमंत्री जी बातें तो बहुत करते हैं पर सच कभी नहीं बोलते। इन बातों का जो उनके सरकारी आंकड़े हैं जवाब दीजिए। यह सबूत है कि जो 63% कच्चा तेल घर में पैदा करने वाली नवरत्न कंपनी ONGC है उसे मोदी सरकार जानबूझकर बर्बाद कर रही है। साथियों, इसलिए हमारी यह मांग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है कि मोदी सरकार तेल का खेल और तेल की लूट बंद करे और देश के 130 करोड़ लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती कर राहत दे, क्योंकि मोदी सरकार के मुताबिक आज भी पेट्रोल की जो लागत है वो 32 रुपया लीटर है और डीजल की लागत 33 रुपया लीटर है। तो हमसे फिर 190 रुपया लीटर क्यों ली जा रही है? प्रधानमंत्री स्वयं आगे आकर देश को यह बताएं। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न लूं, मेरे सहयोगी डॉक्टर गौरव वल्लभ जी संक्षेप में अंग्रेजी में आपको यही बात बताएंगे। थैंक यू सर। Namaskar to all of you. There is a saying, and this saying is by Modi government, that everyone is at fault for rising fuel prices except the government. Everyone is responsible, previous government, the prices, the inflation, everyone is responsible for the increase in this price except the government. In our culture, number 11 is very auspicious number. But unfortunately, today is the 11th consecutive day when the fuel prices across the country had increased. Please appreciate, on 1st of February of this month, the finance minister on the floor of house had assured that we are putting some cess on petrol and diesel and we are not going to increase the fuel prices. What is the value of that particular statement made by the Honorable Finance Minister on the floor of the House? That is of no value. Then whenever somebody says that we are assuring you, your assurance doesn't hold any value. What you assured doesn't have any value, because in the month of
February 2021 itself, there were 13 times the prices of petrol and diesel got increased. And please appreciate, diesel and petrol is not only used by the people who are high taxpayers. They are not used by the people who are paying the income tax. They are used by every person directly. And I will not say indirectly, because everyone uses that directly. Whether it's a common person, whether it's a student, whether it's a farmer, he uses that. And please try to understand that what is the rate of tax Government of India is charging on petrol and diesel. On petrol, I just want to give you one data. On petrol, on the basic price of 32.4 rupees per litre, Government of India charges excise duty of 32.98. Means 100% se bhi jyada, more than 100% tax is there on this particular commodity, which is used by a student of our country, which is used by the middle class of our country, which is used by every person directly or indirectly. And the second one, the diesel, 33 rupees the base price, and the excise duty which Government of India charges is 31.83, approximately again 100%. 100% taxes are charged on those commodities which are used by every person of our country. And that too, at what time? When the economy is under recession, when every day the unemployment numbers are defeating the last month's data, when we are getting a news that 12 crore people had lost their jobs during the corona times, at that time, the government should try to provide more disposable income in the hands of the farmers, in the hands of the common people, in the hands of the students. But what they are doing, they are increasing consecutively 11th day in the month of February, the petrol and diesel prices are getting increased. 2-3 points I will give you as shared by sir. Number one, the Prime Minister says, मैं किसी चीज के लिए उत्तरदायित्व नहीं, 7 साल मेरी सरकार को हो गए पर पुराने वाले बढ़ा के चले गए. अरे भाई, हम बढ़ाते हैं क्या टैक्सेस? आर वी गोइंग टू इंक्रीज टैक्सेस और आर यू इंक्रीजिंग टैक्सेस एवरी डे? एंड देन यू से दैट वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल बिकॉज इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस आर गोइंग अप. My basic question is that when the crude prices had reached all-time low in the year 2020 during corona times, had we received the benefit of the reduction or the dip in the crude oil prices across the world? When the crude oil prices reached up to $25 per barrel, had we received the benefit? And I had done one research and I can tell you that there is no correlation. I repeat, there is no correlation between the international crude prices and the prices which Government of India charges in the form of petrol and diesel from us. Iske beech mein koi sambandh nahi hai. Jab crude prices ghatti hai, to humare daam badh jate hai. Jab crude prices thodi si badhti hai, humare daam magnifying impact se badh jate hai. Why? Number one. Number two, as mentioned by Honorable Prime Minister a couple of days back, that exploration, our dependence on imports were very high, and we were not able to do exploration of the crude in the last 60 years, 70 years, that usual statement for every problem which Prime Minister used to give. We had done a very fundamental research on this issue, and we came out with a surprising fact. And what is the fact? Fact is that if you compare the indigenous oil production which we were having during UPA 1 and 2 regime, 23.4% of our total consumption we were indigenously exploring. Right now that percentage got reduced in last 7 years to 15.8%. Modi ji, who is responsible for this? What you mentioned in your statement and what is the research facts are altogether different. Point number three, that how you have to understand the chronology as mentioned by one of the honorable minister of the current government. Aapko chronology samajhni padegi ki ye 23.9% 15% pe aake kyon gira hai. Chronology is there because when you had consistently gave I can say a hammering to the ONGC, whether by the forceful acquisition of one company that is Gujarat State Petroleum Corporation, that is GSPC,
when you are consistently reducing the oil exploration budget of ONGC, you will be surprised that if I compare the exploratory well expenditure of ONGC for FY20 vis-a-vis FY14, there is a 63% dip. अर्थात जो ऑयल एक्सप्लोरेशन पे खर्चा ONGC 2014 में करती थी आज उसका 63% कम करती है. तो फिर क्रोनोलॉजी तो समझ में आ गई. वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी एंड यू आर सेइंग दैट अर्लियर गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस. व्हाट वी डिमांड दैट व्हेन पीपल want money, more money in their hands, when common people of our country wants or requires more disposable income, when economy requires more cash in the hands of the people to revive the demand, to create the new employment, at that time, what you are doing, you are consistently increasing the petrol prices and diesel prices. And that too, one very interesting data I would like to share, that when the if we compare 2014 crude oil prices with the current crude oil prices, the crude oil prices today is 41% lower than 2014 crude oil prices, but the petrol prices is 27% higher. Matlab kacche tel ki keemat 41% kam aur petrol ki keemat bazar mein 27% zyada. ये कौन सी ये इसको वी शेप कहते हैं कि आप इधर से गिर रहे हो और उधर से बढ़ा रहे हो. आई थिंक लॉट ऑफ मिनिस्टर्स यूज्ड टू से दैट वी आर हैविंग वी शेप रिकवरी. इज दिस ए वी शेप रिकवरी? वी डोंट थिंक दिस इज ए वी शेप रिकवरी. वी डिमांड फ्रॉम दिस पोडियम, we demand from the common people of our country, we demand on behalf of the agriculturists of or farmers of our country, that immediately you should roll back these hikes which you had done. And I should say, these hikes are not tax hikes, these are the sinful activities against the common people of our country. Thank you very much. Thank you, Rock Sahab. Any questions you have, you are welcome to ask. आदरणीय साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महासचिव की ओर से हमने सब हमारे यूनिट्स को लिखा है, बजाय आप दिल्ली की राजधानी में प्रदर्शन करने के, हर ब्लॉक और जिला लेवल पर ये प्रदर्शन करिए, फिर हम इसे प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएंगे. इस बारे हमने पहले से ही इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है श्री केसी वेणुगोपाल ने. और एक आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल गैस के दामों को लेकर एक व्यापक जन आंदोलन हम तैयार करेंगे. साढ़े 21 लाख करोड़ का जनता की जेब काटकर मुनाफा कमाना क्या राष्ट्रहित हो सकता है? कंपनियां मुनाफा कमाएं, शायद उनकी भी कमा रही हैं काफी, तो ये कंपनी का हित तो हो सकता है, पर ये देश हित कैसे है इसकी व्याख्या भी मोदी जी और उनके गोदी भक्त अगर कर दें तो अच्छा रहे. Let me factually correct you. If you look at Annexure 3 of the press release that I am said to you, you will find the exact component of every duty that is being charged over and above 32 and 34 rupees of petrol and diesel prices. And as my colleague Dr. Gaurav Vallabh pointed out, the central excise is almost 75% of the tax component. And the state taxes are about 25%. That does not mean that the state should not do so. They should emulate Rajasthan government. They rolled back the state taxes. There are no elections there. Now BJP will answer, we did so in Assam. Why did you not do so for 5 years? Just because you are going to polls after a month,
you are trying to give a lollipop. So Rajasthan government has done so, and may I remind you, when prices were very, very high, they had touched $132 a barrel during UPA government's tenure. Shrimati Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh spoke to every Congress-ruled chief minister, every Congress-ruled state government and their chief minister, and said, Government of India will give some relief, you give some relief. And every Congress government in India rolled back prices by reducing taxes. Why is Prime Minister not emulating it? Let him cut his excise duty by 50%, my specific demand, and let him ask every state government to roll back 25% of their VAT. The price of petrol and diesel will come down to 50, 55 rupees, 40, 45 rupees a litre. Currently and sadly, what is happening today, people are going across the border and buying petrol from Nepal and bringing it to India. If you look at the prices of petrol and diesel in all our adjoining countries, it itself tells a shocking tale. In Bangladesh, it is 76 rupees a litre. In Nepal, it is 68 rupees a litre petrol. In Sri Lanka, it is 60 rupees a litre. In Pakistan, it is 51 rupees a litre. In Bhutan, it is 49 rupees a litre. In our country, it is 90 and 100 rupees a litre. That's the sad story. Sir. Yes, Arunji. Ji. अरुण जी, आपका बड़ा सार्थक सवाल है। ये भयंकर जनलूट पार्टी जो बीजेपी है, इसीलिए जब एक और आदरणीय मित्र ने पूछा तो मैंने बताया, और मेरे आदरणीय साथी ने भी बताया, कि ये जो 90 रुपया है, इसमें लगभग 34-35 रुपया, 34 से 35 रुपया मोदी टैक्स है। उस मोदी टैक्स का अगर आप 35 में से 17 रुपया भी कम कर दें, मोदी जी 50% फिर भी चार्ज कर ले मोदी टैक्स, तो आपको आज अपनी साधारण कार से घर जाएंगे तो 17 रुपया लीटर का फायदा हो जाएगा। और यही अगर गैस में कर देंगे तो आपकी धर्म पत्नी आपको इस बात के लिए साधुवाद देगी, और मोदी जी को भी। पर काश मोदी जी आपकी और मेरी बात मानते। आदरणीय साथी, कुछ बातें नीतिगत हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 में बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे, अब की बार पेट्रोल डीजल की कीमतों की मार, इसीलिए मोदी सरकार। तो अब क्या कर रहे हैं वो मोदी जी? सच बात यह है कि मोदी सरकार के बारे में ये बात मशहूर है, और ये बात अब सामने आ गई है। और वो क्या है कि मोदी जी कभी भी जो कहते हैं वो कभी भी उसको लागू नहीं करते, और जो वादा करते हैं उसको कभी सच्चाई में उतारते नहीं। धन्यवाद। यस मैम। यस Let me first answer that. I will ask my colleague Dr. Gaurav Vallabh to send you two things. One, the tweet of Shri Dharmendra Pradhan when he announced the dynamic pricing policy and said, and when somebody questioned him on Twitter, a lady said, you will be immensely benefited, for now the prices are connected to the international crude prices, and as they will go down, the prices will go down.
And my friend here has studied, we'll send you this chart. No, this we have not sent. This we'll be sending separately to all of you on your WhatsApp. You will find we've now given figures of how the international crude prices moved and how the domestic fuel prices moved. You will find there is absolutely no correlation. So Dharmender Pradhanji's statement is deceptive, full of falsehood, and he is trying to once again dupe and mislead the people by saying it's a temporary phenomena. That's why I have released to you as an extra A1 and 2 the prices that existed as on 26 May 2014, which was $108 per barrel. It's a PIV press release. And again, a government data showing that today the rate is $63. Even if you look at pricing during the UPA tenure, and I have prices of each year with me, I have a full chart. You will be shocked to find that in the last 3 years of UPA, the crude prices hovered at almost $132 per barrel. Yet, we bore the brunt of that rising crude prices and did not pass it on to the people. Here is a government, on the contrary, which is fleecing the people, looting the people, looting their budget, and profiteering out of it. And I'm not saying so. This year's revised estimate of Nirmala Sitaramanji's budget reflect that while they expected to collect about 2,22,000 crore, they ended up collecting 3,46,000 crore from taxes on petrol and diesel. That's almost 1,20,000 crore extra. If this is not cheating and fleecing the 130 crore people of India, then my friend, nothing else can fit into that definition. Your second question, and then I'll come to you, Ashish Shiura. May I remind you of what the former defense minister Shri A.K. Antony said? Galwan Valley is Indian territory. That's an admitted fact for last 73 years. Indian Army and our armed forces always patrolled up to PP-14, which is called the patrolling point 14. Colonel Santosh Babu and our brave soldiers laid down their lives. 20 of our bravest soldiers martyred themselves in order to protect our motherland. Yes, we are proud of their valor and will always be. But three more things have come out since then. Number one, our government has created a buffer zone, and our forces, as per the former defense minister, Mr. A.K. Antony, and he said so with conviction, are no longer able to patrol up to the PP-14. Does that mean that the sacrifice of Colonel Santosh Babu and 20 Jawans has gone in vain? Number two, reports have also suggested that various terrorist attacks, they were advanced intelligence information. Why did Prime Minister not act? Number three, why is it that we are creating a buffer zone in the Pangong So Lake area in our territory between finger 3 to finger 8. Number 4, why has Modi government acceded to withdraw from our forward post at finger 4 to finger 3?
Number five, why has Chinese troops not withdrawn from our areas, which is almost 18 kilometers inside our territory, LAC, up to bottleneck, which is also called Y Junction in Depsang Plains, from where UP had pushed them back in our tenure in 2013. Why have the Chinese troops not been pushed back and vacated our territory in Gogra and Hot Springs? And why is Prime Minister scared of naming the word China? Why does the Prime Minister show them red eyes and push them back from India's territory? How can there be a compromise by creating buffer zone in our territory? It amounts to ceding territory to them. So sacrifice of our jawans cannot be a matter of compromise. Abhishek ji, Ashish ji. मुझे पहले इसका जवाब दे दे तो। आदरणीय मित्र, क्या इस देश के लिए इससे भी ज्यादा पीड़ा का विषय हो सकता है कि देश का अन्नदाता तंग होकर, तकलीफ होकर, पीड़ित होकर, वो फसल जो उसके बच्चे की तरह है उसको आग लगा देने की बात करे, नौबत यहां तक आ जाए? क्यों? क्योंकि लगभग 90 दिन से लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर न्याय की गुहार लगाते बैठे हैं और देश के अहंकारी शासक सत्ता की अट्टालिकाओं से उतरकर उनकी पीड़ा समझने और जानने की कोशिश नहीं कर रहे। मोदी जी, अन्नदाता के साथ इतना घोर अन्याय करना बंद कीजिए, वरना अन्नदाता की आह जब लगती है तो ना सत्ता बचती और ना सरकारें। आपका दूसरा प्रश्न। आदरणीय मित्र, हमारा ये मानना है कि सब आर्टिस्ट्स को, कलाकारों को, लेखकों को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर हमने तो इस देश में अब ये भी देखा कि एक टेलीविजन चैनल और उसके एडिटर ने जिस प्रकार से टीआरपी का के घोटाले का भंडाफोड़ हुआ, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा कर टेलीविजन चैनलों की लोकप्रियता को बढ़ाया जा रहा है, यह भी शायद इस देश में पहली बार हुआ। यह भी इस देश में पहली बार हुआ कि 20, 30, 40, 50 जाने मानी हस्तियां एक ही तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं सरकार के हक में। उनकी जबान भी वही है, शब्द भी वही है, बात भी वही है और भाव भी वही है। और अब तो क्या उसके पीछे भी एक टीआरपी स्कैम था, उसकी जांच भी अब पुलिस कर रही है कि वो कौन कौन अदाकार हैं उस नए टीआरपी स्कैम के। प्रदेश कांग्रेस महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने इसी ओर इशारा किया है और उन्होंने साफ तौर से दोबारा कहा, मेरी उनसे बात भी हुई, कि अभिव्यक्ति की आजादी में कांग्रेस या कोई साथी कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। कोई फिल्म शूट करे, रिलीज करे, पर देश को ये तो बताएं, आप इतने बड़े बड़े कलाकार और अदाकार हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनकी फिल्में देखकर हम सब शायद वर्षों से अभिभूत होते रहे हैं, अगर वो आज अपना पूरा चरित्र बदल लेंगे और किसी वजह से केवल सरकारी एजेंडा की सर्विस करते नजर आएंगे,
तो क्या ये नैतिक तौर से सही है? ये हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं। मुझे लगता है उनकी भावना को केवल यहां तक सीमित करके देखना चाहिए। धन्यवाद। एक सवाल सर मेरा भी, हालांकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है। यस विजय जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 13 फरवरी को राहुल गांधी की रैली हुई थी राजस्थान में। एक जामा मस्जिद की मौलवी है, वो मस्जिद से ऐलान करें कि कांग्रेस की रैली में जाएं, तो इसको आदरणीय मित्र मेरी आपसे एक अनुरोध है, इस देश को हिंदू मुसलमान की नफरत में भाजपा बहुत धकेल चुकी, मीडिया के साथियों को उसका हिस्सा बनने से बचना चाहिए। ये देश और संविधान की परिपाटी के लिए आवश्यक है, वरना इस देश की गंगा जमुनी तहजीब भी मर जाएगी और इस देश के संविधान की मर्यादाएं भी। धन्यवाद।